वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्यूब प्रेगनेंसी क्या होती है। मेरे हाथ में ये जो आप लोग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, इसमें जो बच्चा है वो ट्यूब के अंदर फंसा हुआ है, जिसे हम लोग ट्यूबल प्रेगनेंसी माने कि एप्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब ये क्या चीज होती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसको आप लोग कैसे पहचान सकते हो, कैसे इसका पता कर सकते हो और इसका इलाज क्या होता है, यह सब बातें हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जो ये ट्यूब प्रेगनेंसी होती है, माने कि ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, यह वो प्रेगनेंसी है जब बच्चा ट्यूब के अंदर, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसके अंदर आकर फंस जाता है, माने कि इम्प्लांट हो जाता है। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। अब जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि जब आप लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन बनाने के बाद जो बच्चा होता है वो लगभग 7 से 10 दिन के बाद बच्चेदानी में जाता है, वहाँ पर ये इम्प्लांट होता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। परंतु जब ये ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, माने कि ट्यूब वाली जो प्रेगनेंसी होती है जिसमें बच्चा फैलोपियन ट्यूब में जाकर चिपक जाता है और वहाँ पर ग्रो होता है, इसमें क्या होता है, जब आप लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन बनाने के लगभग 24 घंटे से लेके 7 दिन के बीच में जो बच्चा है वो ट्यूब में जाकर इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ पर ये धीरे 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 करके ये बड़ा होने लगता है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब पेशेंट को कुछ साइनो सिम्टम शो होने लगते हैं। अब ये कौन कौन से साइनो सिम्टम हैं, इनको बताने से पहले आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो ट्यूब प्रेगनेंसी है ये किन महिलाओं को होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। तो देखिए, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, माने कि अगर आपको हॉर्मोनल इश्यूज हैं जैसे PCOD, PCOS या आपके अंडेदानी में रसोली है, जैसे कि सिंपल ओवरियन सिस्ट, फोलिकुलर सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट है आपको, या फिर आप लोग कोई हॉर्मोनल पिल्स ले रहे हैं जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं जो 21 दिन वाली, या फिर अगर आप लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बारी बारी यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या है कहने का कि ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जैसे अनवांटेड 72 या आई पिल है, ये 6 महीने में एक बार लेनी होती है। लेकिन अगर आप लोग 6 महीने में इसका बारी बारी मिसयूज़ कर रहे हो, इसको बारी बारी उपयोग ही कर रहे हैं, तब आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। या फिर अगर आप लोग प्रेगनेंसी ख़त्म करने वाली दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं बारी बारी, या आप लोग पीरियड्स के टाइम फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, या फिर आपको प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग रह रही है उस टाइम पर आपका अगर फिजिकल रिलेशन होता है, या आपकी जो ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब है उसकी सर्जरी हुई है जैसे ट्यूबोप्लास्टी, या आपकी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है किसी टाइप की, या आपको कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, या फिर आपकी बच्चेदानी में ट्यूमर है, गांठ है, फाइब्रॉइड है, पोलिप है, या फिर बच्चेदानी के मुंह में सूजन है, या आपके पेट में सूजन है जिसे हम लोग पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज बोलते हैं, या फिर आपका जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है आपको, तो आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी माने कि ट्यूब प्रेगनेंसी होने की संभावना अधिक हो जाती है। जब यह प्रेगनेंसी किसी महिला को होती है तो उनके शरीर में कुछ संकेत, कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। पहला लक्षण है कि आपको पीरियड नहीं आएंगे। दूसरा लक्षण है कि आपके नकली पीरियड भी आपको आ सकते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आप लोग पीरियड लाने के लिए कोई घरेलू उपाय करते हैं, माने कि कोई आप गर्म चीज़ें खा रहे हो, काढ़ा बनाकर पी रहे हो, कोई जड़ी बूटी, कोई आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हो, या पीरियड को लाने के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, तो इन दवाइयों को खाने से आपको ब्लीडिंग होती है जिसे हम लोग ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग या विड्रॉल ब्लीडिंग बोलते हैं, जो कि आपके नकली पीरियड होते हैं। कुछ लोग इसको अपने असली पीरियड मान लेते हैं लेकिन ये आपके असली पीरियड नहीं होते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो देखिए, जब आपको ये पीरियड होंगे तो आपको आपके जो पीरियड है नेचुरल पीरियड्स उसके कंपैरिजन में ये जो ब्लीडिंग होगी आपको, ये बहुत ही लाइट ब्लीडिंग हो सकती है। हो सकता है कि आपको भूरे रंग का डिस्चार्ज देखने को मिले, हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत क्लॉट्स या बहुत ज़्यादा क्लॉट्स खून के थक्के पास हों, या आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो, तो ये आपके
नकली पीरियड होने की वजह से आपको ऐसा होता है। तीसरा लक्षण है कि जब आप लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो टेस्ट कार्ड में आपको एक हल्की लाइन शो होगी। चौथा लक्षण है कि जिस भी साइड आपको ट्यूब में बच्चा फंसा होगा उस साइड पर आपको तेज चुभन होगी और आपको पेट में दर्द होगा, माने कि लेफ्ट साइड भी ऐसा हो सकता है और राइट साइड भी आपको हो सकता है, जैसा कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हो। जब एप्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो लगभग 30% महिलाओं को शोल्डर टिप पेन होता है, जैसे कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप लोग यूरिन पास करते हैं तब भी आपको पेट में क्रैम्पिंग महसूस होती है, या फिर आप लोग जब स्टूल पास करते हो तब भी आपको पेट में चुभन और क्रैम्पिंग होती है। तो ये एप्टोपिक प्रेगनेंसी के मुख्य लक्षण थे। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसको आप लोग कैसे जान सकते हैं। तो तरीका है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके, मतलब कि जब आप लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो आपको टेस्ट कार्ड में एक हल्की लाइन शो होगी, और एक दो दिन के बाद अगर आप लोग दोबारा से टेस्ट करोगे तो ये लाइन डार्क नहीं होगी। सामान्य स्थिति में क्या होगा, अगर आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, अगर बच्चा यूट्रस में ही इम्प्लांट होगा तो फिर जो लाइन है डार्क हो जाती है, लेकिन एप्टोपिक प्रेगनेंसी में ये लाइन डार्क नहीं होगी। दूसरा तरीका है ब्लड टेस्ट करा के, जिसमें कुछ हार्मोनल ब्लड टेस्ट हम लोग कराते हैं, जैसे कि सीरम बीटा SCG। तीसरा है अल्ट्रासाउंड करा के, अब ये एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है जिसे हम लोग पेल्विक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और चौथा है डॉक्टर की कंसल्टेशन, जिसमें हम लोग आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपके साथ पूरा केस डिस्कस करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण हैं कि नहीं है, या आपका जो केस है उसमें आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि एप्टोपिक प्रेगनेंसी का इलाज क्या होता है। तो देखिए, अगर आप लोग जल्द से जल्द एप्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगा लेते हैं तो हम लोग आपको कुछ दवाइयां देते हैं खाने के लिए, कुछ इंजेक्शन भी आपको लगाते हैं, जिससे आपकी कम दिनों की एप्टोपिक प्रेगनेंसी माने कि ट्यूब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। और यह जो अवधि है ये 5 सप्ताह से लेके 6 सप्ताह के बीच की होती है, परंतु अगर 6 हफ्तों के बाद हमें एप्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगता है तो आपकी ट्यूब के फटने का खतरा रहता है। इनफैक्ट हम लोग पेशेंट को चलने से भी मना करते हैं, उनको बेड रेस्ट ही देते हैं हम लोग। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां पर पेशेंट की फैलोपियन ट्यूब के फटने का खतरा रहता है, तो पेशेंट की जान को बचाने के लिए हमको इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ता है। इस ऑपरेशन में जिस भी ट्यूब के अंदर बच्चा फंसा होता है उस साइड की फैलोपियन ट्यूब को निकालना पड़ता है, इसके साथ में अंडेदानी भी निकलती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज रहता है जब ये सर्जरी होती है। तो एप्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।